हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। जो चैप्टर हमने पहले से स्टार्ट कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर का एक टॉपिक लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके मेडिकल जो आप परीक्षा देते हैं NEET, नीट एंड IIT JEE, इस इन कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत सेलेक्टेड टॉपिक लिया हमने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले हमने जो बॉन्डिंग पढ़ी, हमने पढ़ी आयनिक बॉन्डिंग और एक पढ़ी हमने कोवलेंट बॉन्डिंग सॉरी, और एक पढ़ी वांडरवाल्स बॉन्डिंग। ठीक इसी प्रकार की एक बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप बॉन्डिंग ना कहकर ये इसको इस तरह से बता सकते हैं, एक फोर्स है। इट इज अ सच टाइप ऑफ फोर्स विच इंटरैक्ट टू द एटम टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये एक फोर्स है जो एटम्स को अपनी साइड में इंटरैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और जो इस इनमें जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा आयनिक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग आती है, कोवलेंट बॉन्डिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद वांडरवाल्स बॉन्डिंग या वांडरवाल्स फोर्स। क्लियर है? तो ये इसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आयनिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बाद वांडरवाल्स फोर्स बॉन्डिंग होती है। इस प्रकार से होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आप बात करते हैं कि जब भी कोई हाइली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हाइड्रोजन एटम हाइली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जैसे ये है, ये हमने ले लिया कोई H1 कह दिया हमने, हाइली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, इसको कह देंगे हाइली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। जब हाइड्रोजन हाइली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के साथ क्या बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो और इसके बगल में यदि कोई B एटम ये क्या है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जस्ट लाइक फोन FON सॉरी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये हो, तो ये क्या करता है, A हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और H हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये हाइड्रोजन के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड को ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी साइड में इंटैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस A के पास पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इसके पास पॉजिटिव आएगा तो ये अनदर नेगेटिव एटम को क्या करेगा, अपनी साइड में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस बी को ये क्या करेगा, अपनी साइड में इंटरेक्ट करेगा। जैसे इंटरेक्ट करेगा तो बी चूंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये इनके बीच क्या एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन कराता है। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। ध्यान देना, ए और एच के बीच कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और एच हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है यहाँ पर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में इंटरेक्ट करेगा तो ए के पास पार्शियली नेगेटिव करेक्टर और हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव करेक्टर आएगा, इसकी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचना, और जैसे ही कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जस्ट लाइक फोन इसके संपर्क में आएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके ये अपनी साइड में खींचने की कोशिश करेगा और एक फोर्स ये अटैच हो जाएगा या एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर बात?
अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, तो इसकी जो एनर्जी होती है, इसको ब्रेक करने की एनर्जी होती है 200 किलो जूल पर मोल। इसकी कितनी होगी एनर्जी? 200 किलो जूल पर मोल। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसकी होती है 8 to 40 किलो जूल पर मोल। क्लियर बात? यानी इतनी होती है बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, 8 to 42 किलो जूल पर मोल। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 200 किलो जूल पर मोल। क्लियर बात? और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको इस डॉटेड लाइन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही नहीं बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम किस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉटेड लाइन यानी ये इनके बीच क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन हो रहा है, इस बात को साबित करती है डॉटेड लाइन। क्लियर बात? अच्छा, अब इसमें जो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, यहाँ पर भी FONe होगा, इनमें हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। फ्लोरीन कितनी होती है हमारी, और ऑक्सीजन कितनी होती है, नाइट्रोजन कितनी, फ्लोरीन की 4, इसकी 3.5, इसकी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी। क्लियर बात? अच्छा, और अगर हम ऑर्गेनिक में बात करेंगे तो कार्बन और क्लोरीन की बात भी हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इनऑर्गेनिक में ये फोन ये होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन 4 3.5 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है इनकी। क्लियर बात? अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और जानकारी होनी चाहिए इसी से संबंधित हमारे पास। सपोज ये ए है, ये हाइड्रोजन है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, और ये बी, ये क्या है इनके बीच? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर? इस बॉन्ड को हमने कह दिया एक्स, इसको बोलते हैं हमने वाई, मान लिया ना हमने। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी और क्यों, तो बॉन्ड लेंथ आप ध्यान दीजिए, बॉन्ड लेंथ जो होगी ये ज्यादा होगी वाई या एक्स होगी, तो एक्स लेस देन वाई होगा, एक्स लेस देन वाई, वाई की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्यों होगी? देखो ये तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड हमारा ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, है ना? और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है कोवलेंट की कंपैरिजन में, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, अगर बॉन्ड लेंथ की हम बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ तो जो ये हमारा होगा एक्स, इसकी कम होगी और वाई की ज्यादा होगी। क्लियर बात? इस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आ जाता है ये, कॉम्पिटिटिव के पर्पज से ध्यान रखना। जब भी यहाँ पर ये ए एच बी इस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और बी इंट्रैक्टेड होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में। क्लियर बात? तो इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड। ओके, इसको नोट कर लेना, बिल्कुल इसी तरीके से एक बार रिविजन करा देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फोन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है। अब कैसे होती है उसको समझ लीजिए। जैसे H है, ये A है, तो A नेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी साइड में इंट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसके पास पार्शियली नेगेटिव कैरेक्टर, हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर। और जो अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फोन, इसके संपर्क में आएगा तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये वीक बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक करने के लिए 200 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसको ब्रेक करने के लिए 8 to 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये तो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर बात? और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी जो ऑर्डर होता है ये होता है, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन कोवलेंट बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग होते हैं। क्लियर? अच्छा, ये कंसेप्ट है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम की डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये आपके कंपटीशन के पर्पज से इस टाइप का दिया गया कि बॉन्ड एनर्जी, यही कंसेप्ट हम रिपीट कर रहे हैं। क्या था हमारा? ए, ये एच, ये बी, ये एक्स बॉन्ड मान लिया था हमने, ये वाई बॉन्ड मान लिया था। क्लियर बात? तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एनर्जी ई एक्स इजकल टू बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई। ये क्वेश्चन
ट्रू है क्या ये देखना, एक सेकंड, हमारा बी ई एक्स इजकल टू बी ई वाई, और तीसरा कंसेप्ट हमारा इनमें देखना कौन सा ट्रू, बी ई एक्स लेस देन बी ई वाई, यानी बॉन्ड एनर्जी बात कर रहा है पहले में कि बॉन्ड एनर्जी ई एक्स ग्रेटर देन ई वाई। देखो ये कोवलेंट बॉन्ड हम बता ही चुके, ये कोवलेंट है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसकी जो एनर्जी होगी इसकी तुलना में ज़्यादा होगी, क्योंकि यदि कोवलेंट बॉन्ड इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए 200 की जरूरत होगी एनर्जी की, इसकी 8 to 42 की जरूरत होगी। इसका मतलब पहला कंसेप्ट तो ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू, क्लियर, पहला ऑलवेज ट्रू होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस आ जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड कंसेप्ट ट्रू है या नहीं है, ये केवल एक ही केस में ट्रू है, अन्यथा ये फॉल्स हो जाएगा, केवल एक ही केस में। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब इसका कि जो कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी के इक्वल है, ये कह रहा है, ये केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होगा, अन्यथा ये फॉल्स होगा। एक कंडीशन क्या है, केवल एक स्पेशल एग्जाम्पल है, जैसे एक्सेप्शन होते हैं ना, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, केवल वहीं पर ये अप्लाई होगा। उसका एग्जाम्पल है HF2, क्या है HF2-, ये कोई एग्जाम्पल है हमारा HF2-। इसमें इसके केस में क्या होगा, हाइड्रोजन ये फ्लोरीन के साथ इस टाइप से बॉन्डिंग बनाता है HF, तो ये क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा पार्शली नेगेटिव, ये यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव, इसलिए ये दूसरा बॉन्ड इधर फॉर्म कर लेगा, कौन सा, फ्लोरीन के साथ, क्लियर बात। तो इसके रिजल्टेंट में क्या होगा कि ये तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है H बॉन्ड, तो इन दोनों के केस में ये 200 किलो जूल पर मोल, ये भी 200 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, किलो जूल पर मोल, ये एक्सेप्शन है, एक ही पर्टिकुलर एग्जांपल, इसको ध्यान रखना। HF2- के केस में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी के इक्वल होगी, केवल इसी कंडीशन में, ओनली दिस पैरामीटर इक्वल टू ओनली फॉर दिस केस नोट अदर, केवल इसी के केस में ये क्या होगा, इक्वल होगा, अन्यथा इक्वल नहीं होगा। ओके ओनली फॉर, लिख सकते हैं ओनली फॉर दिस, ओके, और ये क्या होगा, ये कभी भी इक्वल, ये कभी भी ये बी ई वाई बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये कभी भी, ये जो होगा ना ये बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड एनर्जी कभी ज़्यादा नहीं रह सकती, ये हमेशा ग्रेटर देन होगी, किसकी, एक्स की एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन होगी देन वाई, ओके, इसलिए इस कभी भी इक्वल नहीं रह सकता। तो ये हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी आपकी नीट के क्वेश्चन पेपर से, उस टाइप के एग्जाम्स में ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आ जाता है कि दे देंगे कोई एग्जाम्पल्स, इनमें पूछ लें कौन सा ट्रू एंड कौन सा फॉल्स होगा। इवन कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो उसमें इस टाइप की डिस्कशन करने के लिए आ जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, इस पर बेस्ड हम बात करते हैं, इसको नोट कर लेना आप। क्वेश्चन क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, विच हैज स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड। अब एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्लोरीन का HF, ये तो फ्लोरीन का एक मोलिक्यूल है, ये किसी दूसरे मोलिक्यूल के साथ कैसे बनाएगा, ऐसे HF, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, क्लियर है। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये वाटर का ले लिया, किसका ले लिया, वाटर का, ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये हाइड्रोजन ले लिया हमने, और ये हमारा दूसरा एटम ले लेंगे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ये ए हमारा, ये H है, ये B है, क्लियर, AHB, देख लो हमारा ना, ये ना इसको बोल लेंगे हम ये H तो बीच में रहेगा ना हमारा, H ये बीच में, देखो H ये बीच में रहेगा, ये नेगेटिव एटम है, ये भी नेगेटिव एटम है, तो BHA या AHB, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और थर्ड हो गया हमारा अमोनिया का ले लिया, थर्ड हमने एग्जांपल ले लिया अमोनिया का, तो HNH3 होगा ना, दिस, तो ये क्लियर, वही एग्जांपल हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन हम बीच में ले लेंगे, तो ये AHB। अब इनमें देख कर बताना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा और क्यों होगा, ये हमें रीजन सही देना, क्लियर है। तो जो फ्लोरीन होगा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देख रहे थे, FON, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन,
तो इस कंसेप्ट के हिसाब से कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन ये क्लियर है। तो इसमें कुछ थोड़े से और पैरामीटर जो आपको नोट करने, कौन कौन से रीजन है क्लियर है, रीजन फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का, ए शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लियर, ए शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो ये हमारा ये फ्लोरीन है ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर होगा इनका, एक कंडीशन ये है। और भाई दूसरी कंडीशन कौन सी जिसके बिहाफ पर आप इसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो उसके हिसाब से फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हमारा, क्लियर बात। अच्छा अब एक बात और आप ध्यान से समझ लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी हमारी तो वो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, बी ये हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन। लेकिन यहाँ पर जो बी हमारे पास यहाँ पर जो बी है वो भी फ्लोरीन है हमारे पास, क्लियर है। लेकिन ये कुछ रिलेशन था जिनके बिहाफ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा बॉन्ड वीक होगा, क्लियर बात, इनको आप ध्यान से नोट कर लेना। अच्छा अब कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जो आप जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके, हैं इसको नोट कर लेना। एक एग्जांपल हो लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारा ये OHO, वाटर का ले लिया हमने ना, ये OHN ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाओगे, और एक ले लिया NHN ये फर्स्ट ये सेकंड, और एक हो ले लिया NHO। अब इनमें क्वेश्चन है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर बात। अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पर तो जो है हमारा कंसेप्ट AHB ये कंसेप्ट है ना, ए इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तो इन दोनों में नाइट्रोजन यहाँ एक ही जगह और यहाँ पर है ऑक्सीजन, ये दोनों तो फैली हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये ऑक्सीजन का होगा, क्लियर बात। अच्छा अब तो इन दोनों में एक बनता है, ये ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन, अब इन दोनों में हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मोर इलेक्ट्रो होगा और क्यों होगा, ये रीजन भी हमको देना पड़ेगा, क्लियर बात। अच्छा अब इनमें हमको देखना, अभी हमने एक लिखा था बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहे थे हम, बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी ये जो बॉन्ड होगा इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे जज करेंगे, ये यहाँ तो कॉमन है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर नाइट्रोजन है, क्लियर बात। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे इसको आप जरा ध्यान से बनाने की कोशिश करना, ओके समझ में आया ना ये। तो इनमें हमने ये बताया था बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है और बी का रिलेशन क्या था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उस बिहाफ पर किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसकी तुलना में ज़्यादा हो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की, ओके। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल्स के बिहाफ पर भी
चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके एग्जाम्पल के बिहाफ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको शुरू से करने से पहले स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। ये जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर की हमने अपने चैनल पर 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, 14 वीडियो, और लगभग इस वीडियो में हमारा चैप्टर भी लगभग फिनिश हो जाएगा। हमने इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ ली, हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ ली, VBT पढ़ ली हमने, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, MOT पढ़ ली, और फजांस रूल पढ़ लिया, सिग्मा पाई बॉन्डिंग डिटेल में डिस्कस कर ली हमने, तो लगभग चैप्टर फिनिश है। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि 13 वीडियो यदि आपने इस चैप्टर की नहीं देखी तो प्लीज़ 13 वीडियो वो भी ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 13 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उन वीडियो को ध्यान से देख सके। ओके, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि आपको यदि कंटेंट अभी समझ में आ रहा, आपको लगा कि वास्तव में हमारे मतलब का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, और वीडियो को दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर करना और लाइक करना। ओके, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू। फर्स्ट इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और सेकंड होगा इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्लियर बात? तो कितने टाइप की बॉन्डिंग है? टू टाइप की, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट कर लीजिए, हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब आउटर और इंट्रा मतलब अंदर। क्लियर बात? तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कहां पाई जाती है? ये टू डिफरेंट मोलिक्यूल में पाई जाती है, टू और मोर डिफरेंट मोलिक्यूल। ओके, टू और मोर डिफरेंट मोलिक्यूल के अंदर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है सेम मोलिक्यूल। क्लियर बात? अच्छा, अब इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल पर बेस्ड कुछ रीजनिंग की प्रॉब्लम लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिशंस में आती है। ओके, हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारी हेडिंग रहेगी, इसको नोट कर लीजिए आप। देखो, हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर का HOH। क्लियर बात? HOH। तो ये हमारा वही कंसेप्ट, हमारा AHB। तो AHB क्या होगा? हमारा होगा ये हाइड्रोजन बीच में रहेगा। तो ये ये होगा ना हमारा A, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो रहा AHB, दिस वन AHB, ठीक है ना, AHB ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्लियर? इसके अलावा फ्लोरीन का ले सकते हैं, फ्लोरीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं HF, दिस वन HF, तो ये इनके बीच क्या बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्स होता है 120 to 140, इतना बॉन्ड एंगल होता है। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा हम इसमें अमोनिया का भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन का HNH, ये जो है बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को हम सबको क्या बोलते हैं, दिस वन, इसको बोलते हैं एच बॉन्डिंग, और कौन से वाले, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा एक एग्जांपल अल्कोहल और वाटर का भी होता है, अल्कोहल और वाटर का, वो भी हम बात कर लेते हैं, अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल की स्ट्रक्चर ROH ये होते हैं ना, और वाटर की स्ट्रक्चर हमारी होती है HOH, ये होते हैं ना स्ट्रक्चर।
अब इनके बीच भी कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, देखो आर ओ एच, क्लियर। अच्छा, और हमारा इसके वाटर के स्ट्रक्चर में कैसे होगा, हमारा एच ओ एच, दिस वन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना, ए एच बी, ए एच बी, इस टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, अल्कोहल और वाटर के बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अच्छा, एक एग्जांपल और है बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3। वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है, बोरिक एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोरिक एसिड कैसे होगा, H3BO3 होल ट्वाइज, इस टाइप से। इसका डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे पॉलीमर होता है ना, तो ऐसे ही डाइमर, पॉलीमर ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, डाइमर में दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं। तो अब इसकी देखते हैं कि बॉन्डिंग इसमें किस टाइप से जनरेट होती है। देखना एच ओ बी, एच ओ बी और सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, दिस वन, तीन यूनिट होगी ना इसकी, ओ दिस वन। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अब ये कैसे कनेक्टेड हो गए हमारे पास, एक यूनिट और इसमें ऐड कर देंगे, बी ओ ओ दिस, ये दिन के बीच ये बन रहा है, इसको बोलते हैं डाइमर, डाइमर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन, और इसको चिलेशन ही बोलते हैं, चिलेशन, चिलेशन का मतलब जो कोई साइक्लिक कंपाउंड बनता है। अब एक ध्यान रखना, ये कोई ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, कभी ये कंसीडर कर ले कि इंट्रा, एक से अलग मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, अलग मॉलिक्यूल के अंदर बनना, तो ये डाइमराइजेशन फॉर्मेशन होती है, और इसको बोलते हैं चिलेशन भी। इसी प्रकार हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर सी ओ ओ एच, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे हम आर सी ओ एच के, तो आर सी डबली बॉन्डेड ओ, सिंगली बॉन्डेड ओ, सिंगली बॉन्डेड एच, क्लियर। इसी प्रकार हम इधर R ले लेंगे, R सिंगली बॉन्डेड C, डबली बॉन्डेड O, सिंगली बॉन्डेड O, सिंगली बॉन्डेड H, दिस, ये बना रही है हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है। और ये भी डाइमर, डाइमराइजेशन फॉर्म में जिस दिख रही है यहाँ पर, एक साइक्लिक रिंग बना रही, तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है। अच्छा, एक स्पेशल केस है जो जिस पर आधारित कोई प्रॉब्लम बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इनको आप नोट कर लेना, ये प्रॉब्लम है नेक्स्ट किस टाइप की, ये क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की, क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री एंड एसीटोन सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, प्रोपेनोल है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर का क्लोरोफॉर्म कैसे बनती है, दिस ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये एच, ये तो क्लोरोफॉर्म की हो जाएगी हमारी। अच्छा, अब एसीटोन कैसे हो जाएगी, दिस सी एच थ्री सी एच थ्री, स्पेशल केस है ये, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड में खींच लेता है, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस क्लोरीन का ज़्यादा, ये भी अपनी साइड में खींच लेता है, तो जिसके कारण इस कार्बन के पास कौन सा करेक्टर डेवलप हो जाएगा, थोड़ा सा पार्सली पॉजिटिव करेक्टर डेवलप हो जाएगा, और इनके पास नेगेटिव करेक्टर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, क्लियर है। तो यहाँ पर कार्बन ट्रीट किया जा रहा है एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब हम जो कंसेप्ट सिखा रहे थे वही तो सिखा रहे थे, ए एच बी, तो ए की तरह ये ट्रीट करेगा, एच बीच में आएगा, तो फिर ये एच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी इसके पास पार्सली पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये अपने बगल के ऑक्सीजन से क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में इंट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, ये बॉन्डिंग बन रही है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंसेप्ट बिल्कुल यही हर जगह, इसको ध्यान रखना, ये तो ए का रोल करेगा एच, ये बी, क्लियर है। तो ये हमारी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बॉन्डिंग है। अब हम एक क्वेश्चन बनते हैं इस पर बेस्ड, जो प्रॉब्लम बन एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन विच इज मोर सोलेबल इन, विच इज मोर सोलेबल इन वाटर, सोडियम आयन एंड अमोनियम आयन, ये आयन है, क्लियर है।
अच्छा अब हम ध्यान करते हैं सोडियम आयन कैसे होता है, दिस वन इसकी साइड में वाटर कैसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा वाटर, ये वाटर हो जाएगा। वाटर के पास क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। वाटर के अंदर क्या हो, डाइपोल होते हैं और ये क्या है कैटायन, ये इसके पास प्लस चार्ज है, तो इसके इसके बीच कौन सा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन क्रिएट करेगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगा ना इनके बीच में। और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन किस में हमने पढ़ा, वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शन में, किस में होता है, वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शन। और वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शन पढ़ा। अच्छा अब हम बात करेंगे अगर अमोनियम की, अमोनियम की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन दिस ये एच 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 सॉरी इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा अब इसमें इसके प्रत्येक एच क्या हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को, दिस वन ये वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे ना, इसके साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करा लगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करा लगा। और स्टार्टिंग में ही हमने बताया आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्ट्रॉन्ग देन वैन डेर वाल्स फोर्स, देन वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शन। इसलिए हम कहेंगे कि अमोनियम का जो अमोनियम इजीली सॉल्युबल होगा देन सोडियम आयन, क्लियर है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, तो अमोनियम आयन मोर सॉल्युबल देन सोडियम आयन, क्लियर बात। अच्छा एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पर जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पर वाटर में वो मोर सोलेबल होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वाटर में इजीली सोलेबल होगा, क्लियर बात, ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी हमें। अच्छा अब हम कुछ अन्य एग्जांपल की बात कर लेंगे जिनके भी यहाँ पर हम चेक करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हम इसी पर आधारित एक समझ लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, जैसे ये हमारा है फ्लोराइड HF, HCl, HBr और भाई ये हमारा HI। अब इन्हीं में अगर पूछ लेंगे हम कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो ट्रेंड क्या कहता है, ग्रुप्स में डाउन टू जाने पर मोलर मास बढ़ता है, मोलर मास बढ़ता है तो मोलर मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा ना अकॉर्डिंग टू मोलर मास, मोलर मास। बट यहाँ पर एक स्पेशल केस है, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है, ओके फ्लोरीन वाला फैमिली जो फ्लोरीन ग्रुप 17 के, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन, एच एम में क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण इसका जो वो होगा क्या नाम बॉइलिंग पॉइंट होगा एच एफ का ग्रेटर देन होगा देन एच आई देन एच बी आर देन एच सी एल, ये इसका रीजन है, क्लियर है। किसके बिहाफ पर बताया हमने, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिहाफ पर होता है, जबकि नॉर्मली होना चाहिए ट्रेंड ये, लेकिन ये ट्रेंड ना होकर ये ट्रेंड हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर बात। अच्छा अब ग्रुप 16 में अगर हम बात कर लें इसी प्रकार, ये तो ग्रुप 17 का, ग्रुप 16 की बात करें, ऑक्सीजन सल्फर सिल्यूरियम टेल्यूरियम पोलोनियम, सपोज ये है, इन्हीं के हैलाइड ले लें, H2O, H2S, H2SE और H2TE। अब इनमें पूछ लेंगे हम किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्लियर है, तो मोलर मास ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होता है, तो ट्रेंड क्या होगा, ये होगा, लेकिन ये ट्रेंड ना रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण वाटर के अंदर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वाटर देन H2TE देन H2SE देन H2S, ये हो जाएगा, ये ग्रुप 16 के लिए है। ये प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, आप ध्यान से इन बातों को समझते नोट करते चलेंगे तो हम प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट होता है बीपी का, बीपी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डेर वाल्स, वैन डेर वाल्स फोर्स, क्लियर, इस भी आपको होता है।
लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस किसकी वजह से होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी प्रकार वाटर के केस में भी वाटर का हाइड्रोजन वो बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, वाटर के अंदर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्लियर बात। अच्छा एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं हम, इसी पर बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझ लो क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वाई आइस आइस मतलब बर्फ की बात करें, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर मतलब ये जो है ना बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। देखो ये है, ये है भाई, ये पानी है और ये बर्फ है, ये इस पर तैरती है। क्लियर है। अब इसे दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताए, आर्किमिडीज का सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताए, तो जो आइस है ये लाइटर है देन वाटर, इसलिए आइस के ऊपर तैरता है। लाइटर का मतलब आइस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होगी, और जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो 0.9 समथिंग रहती है, 0.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिक्स में इतना बताते हैं और फिजिक्स में ये भी बता देते हैं ये कि पानी के अंदर इतना डूबेगा और इतना बाहर रहेगा, फ्लूइड्स डायनेमिक्स में जब पढ़ते फिजिक्स के, इतनी जानकारी फिजिक्स देता है। लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि इसकी डेंसिटी इससे कम है, क्यों, क्या कारण है, डेंसिटी कम का क्या कारण है, ये कहता है फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अब क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि क्यों इसकी डेंसिटी लाइटर देन वाटर। क्लियर है। तो इसके केस में हम आइस की जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आइस की स्ट्रक्चर कैसी, आइस की स्ट्रक्चर एक पिंजरे की भांति होती है, केज टाइप स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है केज टाइप स्ट्रक्चर होती है, आप ध्यान देते हैं केज टाइप स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी आप स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लेना। देखो मैं इधर बनाता हूँ, HOH ये वाटर का एक मॉलिक्यूल दिखाया दिया हमने, अच्छा एक मॉलिक्यूल हमने दिखाया दिया यहाँ पर, ये दिखा दिया, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये आइस की स्ट्रक्चर दिखा रहे हम, और एक मॉलिक्यूल हमने वहाँ दिखा दिया, एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ दिखा दिया, ये एक मॉलिक्यूल ये दिखाया दिया, और ये इनके ये इंट्रैक्शन दिखा दिया इनके बीच, और इनके बीच ये इंट्रैक्शन दिखाया दिया हमने, चार मॉलिक्यूल, 1, 2, 3, 4 ये चौथा मॉलिक्यूल हमारा एक बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल ना ऑक्सीजन से डबल साइड से हो सकता है, हाँ ठीक है, ये दिखा दिया से इस टाइप से दिखाया दिया हमने वाटर का मॉलिक्यूल। तो बीच में क्या है, ये खाली सा स्थान दिखाई दे रहा है, एक साइक्लिक रिंग से बनी, इसको बोलते हैं होल, क्या बोलते हैं होल। तो जो आइस की जो स्ट्रक्चर होती है होल टाइप हो, अंदर से खोखला टाइप का होता है, खुलासा रहता है अंदर, खुलासा रहने के कारण एक केज टाइप स्ट्रक्चर, इसलिए वाटर के केस में क्या कहेगा ये लाइटर डेंसिटी का होगा। इसके साइड में तो बॉन्डिंग है लेकिन अंदर बॉन्डिंग नहीं, जिसकी वजह से वो क्या होगा खोखला होगा और उसकी डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन कितनी होगी लाइट हो जाएगी, इसलिए वो क्या करेगा पानी पर तैरने लगेगा। अच्छा अब इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट होती है, वो इम्पोर्टेंट कैसे होते हैं, जो हमारा आइस होता है ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। क्लियर बात। अच्छा अगर वाटर की हम बात करेंगे, वाटर 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करेंगे और इसका थोड़ा सा इंक्रीज अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की, तो वाटर की जो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर वाटर को हम जैसे ही वाटर को हम ब्रेक करते हैं, ये तो आइस हमारा 0 डिग्री पर, इसको जब हम ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा ब्रेक हो जाएंगे,
और जब 4 डिग्री टेम्परेचर लाएंगे, 4 डिग्री टेम्परेचर के बाद कोई बॉन्ड शेष बचते ही नहीं, जो बॉन्ड ब्रेक ना हो चुके, टोटल बॉन्ड ब्रेक हो चुके होते हैं। क्लियर बात। इसलिए कहा जाता है कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है कितने डिग्री टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री टेम्परेचर पर होती है। क्लियर बात। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और पूछ ली जाती है, फिर हम इसमें नेक्स्ट इसका काइंस के बारे में बात करेंगे कि हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको नोट कर लेना। तो इसका रीजन क्या है कि जो आइस होती है इसकी स्ट्रक्चर केज टाइप होती है, केज टाइप स्ट्रक्चर होने के कारण अंदर इसके होल्स बनता है, होल्स बनने के कारण ये डेंसिटी इसकी लाइट होती है, लाइट डेंसिटी के कारण ये पानी की सतह पर तैरता रहता है। केमिस्ट फिजिक्स में तो केवल यही पता था इसकी डेंसिटी, लेकिन केमिस्ट्री ने बताया डेंसिटी कम का कारण क्या है कि उसकी स्ट्रक्चर केज टाइप स्ट्रक्चर, अंदर होल बनता है जिसके कारण क्या हो डेंसिटी लाइट होगी। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाउ मैनी एच बॉन्ड फाउंड इन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो इसका आंसर होता है, ये तो क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर होगा 4। अब 4 कैसे होता है ये स्ट्रक्चर के भी आप हम डिस्कस करते हैं। ये पूछ लिया जाता है हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन वाटर, वाटर के अंदर मॉलिक्यूल फाउंड कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड पता करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर के भी यहाँ पर समझ सकते हैं, ये हमारा वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, 1 वाटर का मॉलिक्यूल हमने ये दिखा दिया, दिस वन। क्लियर बात, 1 वाटर का मॉलिक्यूल ये दिखा दिया हमने, 1 2 3, 1 वाटर का मॉलिक्यूल हमने ये दिखा दिया HOH, 1 2 3 4। वाटर की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ये ऑक्सीजन सेंटर में रहता है इनका, ये वाला ऑक्सीजन, ये जो ज्योमेट्री बनती है बिल्कुल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल, इसको हम बोर्ड पर प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पा रहे, ये ज्योमेट्री होती है बिल्कुल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, TD, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाता है हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आपका आंसर होगा 4, और 4 का रीजन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसके अंदर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर बात। अच्छा, अब इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक लेकर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक हमने बात करती इंटर की, इंटर का मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में, अब बात करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही सेलेक्टेड है ये। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसको बोल रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अच्छा, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, ये मॉलिक्यूल हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं OH, ये फिनोल है, क्या है ये फिनोल। अब फिनोल के केस में ये जो बेंजीन रिंग के पास ये जो पोजिशन है, इन पोजिशन का नाम होता है, इस पोजिशन को बोलते हैं ऑर्थो, जस्ट इसके एडजेसेंट ऑर्थो, नेक्स्ट मेटा देन पैरा, ये ध्यान रखना, इस पोजिशन को बोलते ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये भी मेटा, और ये पैरा, इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के। सिंपल अगर बेंजीन रिंग में हम पूछ लें कौन ऑर्थो कौन पैरा, नहीं हम बता सकते, लेकिन अगर कोई एक ग्रुप अटैच है तो ग्रुप के एडजेसेंट बगल में जो भी पोजिशन होगी वो ऑर्थो होगी, उसके नेक्स्ट मेटा होगी, और लास्ट में पैरा हो। क्लियर बात। तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की, ये नाइट्रो हो NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है हमारा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एक हमने बना लिया, ये OH एन एक, ये हमारा पैरा नाइट्रो फिनोल। क्लियर। अब इनमें देखते हैं किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब देखते हैं इसमें ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन AHB, तो इनके बीच क्या बन स्ट्रक्चर बन जाएगी, साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन, ये क्या हो जाएगी हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल सकती है, हाँ,
इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल सकती है, लेकिन लेकिन इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर कोई अन्य मोलिक्यूल हम लेकर आए इसके बगल में या नीचे लेकर आए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन करा सकता है हाइड्रोजन। लेकिन इसके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में एक टाइप की बॉन्डिंग बनेगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन पैरा के सॉरी पैरा नाइट्रोफिनोल के केस में केवल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में पाई जाएगी। क्लियर बात। अच्छा, अब इनमें क्वेश्चन बन सकता है विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो जो पैरा नाइट्रोफिनोल होगा हैज हायर बीपी, पैरा नाइट्रोफिनोल हैज हायर बीपी देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ध्यान रखना इस चीज को। ओके अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है कि पैरा नाइट्रोफिनोल का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा, क्योंकि ये जो है ना अन्य मोलिक्यूल के साथ किस तरह से टाइटली बॉन्डेड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी कंपेरिजन, क्योंकि तो साइक्लिक को ब्रेक करना थोड़ा सा ईजी रहेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लाइटर होगा देन हाई इसका होगा। क्लियर। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन बन जाता है इस पर बेस्ड कि इनमें इन दोनों में कौन सा वोलेटाइल नेचर का होगा, तो वोलेटाइल करेक्टर भी चेक करना हो जाएगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल, इसमें हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ये रीजनिंग की बात होती है, इन पर बेस्ड बन जाता है, और ये आपके एनसीईआरटी में यही पर्टिकुलर एग्जांपल दिए रहते हैं, तो हमें इनकी मैकेनिज्म सही पता होना चाहिए। ओके, एक एग्जांपल और बनता है, सैलिसिलिक एसिड का बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का, आप इसको उसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल एल्डिहाइड का, केवल ये तो फिनोल एज इट इज है, केवल यहाँ पर क्या रहेगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा CHO, इसको हम स्ट्रक्चर CHO दिस वन, ये तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड और ये सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा हमारा OH CO. क्लियर। तो इनके बीच ये जो बॉन्डिंग हो रही, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं ये एसिड है, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर बात। तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट था, आपको यदि कोई बात समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके। और यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।